हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट। जैसे कि आप पढ़ रहे हो लॉकडाउन पिज्ज़ा, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो जो हम इसमें यूज़ करेंगे। लॉकडाउन पिज्ज़ा नाम मैंने इसको इसीलिए दिया है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर में है ना, बाहर से खाना ऑर्डर कर पा रहे हैं। प्लस बैचलर्स जो गाइज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने की, क्योंकि ऑर्डर करना सेफ नहीं है और रेस्टोरेंट बाहर जाएँ तो बंद है। और घर पे ज़्यादातर बैचलर्स को खाना बनाना आता नहीं है, जो यहाँ पर अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए घर में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस वैसे बेसिकली किसी भी ब्रांड का ईजिली मार्केट में अवेलेबल होगा, अराउंड 30-50 रुपीज़ के बीच में रेंज करेगा टू पीसेस। आपको बता देते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। ये हो गया मोज़रेला चीज़, ये हो गया कॉर्न्स, ऑनियंस, टोमेटो, अगर आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम या चिकन भी ऐड कर सकते हो। पिज़्ज़ा बेस, टोमेटो केचप, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, जैसे कि कॉर्न्स, ऑनियन एंड टोमेटो। ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला है। ये अच्छे से मिक्स कर दो आप, मिक्स करके इसको रख दीजिए। अब हम स्प्रेड करेंगे 3 स्पून्स ऑफ टोमेटो केचप ये पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। ये देखिए स्पून, जो नॉर्मल स्पून खाने का होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब हम ये टोमेटो केचप इस पर कम्प्लीटली स्प्रेड कर चुके हैं। अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे चीज़। ये आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आप खाते हो पहले इस पर ये चीज़ स्प्रेड करोगे। देखिए अब हमने इस पर चीज़ स्प्रेड कर दिया है, अभी हमने सारा चीज़ स्प्रेड नहीं करा है क्योंकि लास्ट में भी हम ऊपर से चीज़ की टॉपिंग करेंगे। अब हम स्प्रेड करते हैं इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग। सीजनिंग के बाद अब हम ऐड करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स जो कि कॉर्न, ऑनियंस और टमाटो हैं। ये आप अच्छे से स्प्रेड कर दो इस पर। सारी टॉपिंग्स डालने के बाद, हमारी वेजिटेबल और कॉर्न डालने के बाद, अब हम इस पर दोबारा से स्प्रेड करेंगे चीज। ये हमने ऊपर से चीज की टॉपिंग कर दी है। अब हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में। अब हम अपने माइक्रोवेव को सेट कर लेते हैं कन्वेक्शन मोड पे। ये आप कन्वेक्शन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक 180 डिग्री शो करेगा। इसको फिर से क्लिक करोगे आप 190, थर्ड टाइम 200 पे सेट करने के बाद आपको 15 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। अब हम इसमें रखने जा रहे हैं अपना पिज़्ज़ा। ये देखिए पिज़्ज़ा रखते के बाद सेंटर में इसको बंद करके आप स्टार्ट कर दोगे फॉर 15 मिनट्स। पिज़्ज़ा रेडी। आप देख सकते हैं कैसे कि चीज़ इसमें से टपक रहा है, बट ये एक्सट्रीमली हॉट है तो इसलिए निकालने से पहले ये जो आपका इसका स्टैंड है इसको या तो कॉटन ग्लव्स आते हैं उससे पकड़ें या किसी मोटे कपड़े से पकड़ें। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी पिज़्ज़ा कटर की। वैसे ये कटिंग का काम आप नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हो, बट अगर कटर होगा तो बेटर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। किसी भी सजेशन के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मेरे चैनल की अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। और ये अब हम पिज़्ज़ा खाते हुए बाय बाय।